हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स एंड फूड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रैबिट के प्रॉपर केज से रिलेटेड सारी जानकारियां, डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो जो कि रैबिट्स रखना तो पसंद करते लेकिन गंदगी के डर से या फिर घर में खुले आप लोग नहीं रख सकते हो, तो प्रॉपर केज के साइज वगैरह क्या क्या रैबिट के लिए चाहिए होता है केज सेटअप में, आप लोगों को उतना ज्यादा डिटेल्स में जानकारियां नहीं है। तो आज मैं वही सब डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रॉपर केज सेटअप, जैसे कि केज के साइज से लेके किस तरीके से केज लेना चाहिए, क्या क्या जरूरतमंद चीजें होती है रैबिट्स के लिए, सब कुछ आज आप लोगों के साथ में डिटेल्स में शेयर करूंगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर हिट कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। रैबिट के केज सेटअप के लिए सबसे पहला जो चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है आपके रैबिट के केज बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, पूरा प्रॉपर सेटअप रेडी हो जाएंगे, देन आप अपने घर में रैबिट को, न्यू रैबिट को घर पे लाइए ताकि आपके रैबिट को भी आने के बाद तकलीफ ना हो और आप लोगों को भी कोई भी परेशानियां झेलनी ना पड़े। तो चलिए, सबसे पहला जो चीज आपको जरूरत होंगे प्रॉपर केज सेटअप के लिए ऑब्वियसली वो है केज। तो केज आपको किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, डिसाइड करनी है, आप अपने घर के अंदर की तरफ रखेंगे केज को या फिर बाहर की तरफ, वो चीज सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करनी है। और एक चीज, आप हर रोज क्लीनिंग करेंगे पुप्स वगैरह को या फिर दो दिन एक दिन बाद बाद, वो चीज आपको डिसाइड करने के बाद आपको केज को सिलेक्ट करनी है। दो तरह की केज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, एक होती है ट्रे सिस्टम की केज जो कि नीचे की तरफ ट्रे होती है, शुशु पॉटी जो भी करेंगे उसके अंदर पड़ेंगे तो वो आप निकाल के बाहर में फेंक सकते हो। तो ये हो गई पहला केज। और दूसरा जो मैं केज के सेटअप के बारे में बताऊंगी वो आप लोग पिक्चर्स में भी देख सकते हो, इस तरीके की केज आप ले सकते हो ताकि डायरेक्ट शुशु पॉटी जो भी हो नीचे गिरे वो आप लोग पानी से क्लीन कर सकते हो। वो चारों साइड में स्टैंड होती है, वो ज्यादातर आप लोगों को ऑर्डर देके बनवानी पड़ती है, इस तरीके के केज ज्यादातर नॉर्मल दुकानों में मिलते नहीं है। तो ये दो किस्म की केजेस में से आप लोग चूज कर सकते हो कौन सी आपके घर के लिए और आपके रैबिट के लिए परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आती है साइज। अगर आपके स्पेस ज्यादा है देन आप लोग बड़े, जितने भी चाहे आप लोग बड़े केज बनवा सकते हो, लेकिन जिन सारे फ्रेंड्स के घर में ज्यादा स्पेस नहीं है या फिर जिधर भी रखेंगे ज्यादा स्पेस नहीं है, तो उन लोगों के लिए मिनिमम में साइज आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे छोटी साइज रैबिट के केज के लिए वो होती है 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट, यानी कि चारों साइड से 4 फीट होंगे, वो सबसे छोटे केज के साइज में बता रही हूँ रैबिट के लिए। एक रैबिट के लिए 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट बाई, कितनी 4 फीट मैंने बोल दी, जो भी हो चारों साइड से 4 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे छोटे साइज, और आप लोग चाहते इससे बड़े भी बनवा सकते हो, एंड ऑब्वियसली स्क्वायर शेप में होना चाहिए, राउंड शेप में या फिर इस तरीके की आप लोग केज बिल्कुल भी मत बनवाइएगा जैसे कि मैंने बनवाई थी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप लोग अगर न्यू बनवा रहे हो तो स्क्वायर शेप में हमेशा बनवाने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है प्रॉपर जगह कौन सी होती है रैबिट के केज के लिए। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप रख नहीं सकते हो और डायरेक्ट खुले आसमान के नीचे भी आप लोग रख नहीं सकते हो, या फिर अंधेरे जगह में भी बिल्कुल भी मत रखिए। आप जैसे कि खिड़की के सामने मान लीजिए, धूप भी थोड़ी बहुत आती है, हवा भी लगती है और बारिश वगैरह में भी कोई डर नहीं है, जैसे कि पानी वगैरह नहीं गिरेंगे, वैसे आपको प्रॉपर जगह देनी है जिधर पे हवा भी आए, थोड़ी सी धूप भी आए, मतलब पूरा प्रॉपर जो है सब कुछ थोड़ी बहुत मिले। लोगों को ध्यान में रखनी है प्रॉपर आपको सनलाइट भी मिले, हवा भी मिले, लेकिन जो ये धूप करारा उसके बॉडी में नहीं गिरना चाहिए। और स्पेशली समर सीजन में आप लोग छाव के नीचे, सनसेट के नीचे आप लोग रखिए अपने केज के सेटअप। चलिए, नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो है रैबिट की केज। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन रैबिट को कंफर्टेबल महसूस हो, उसके ऊपर चले या फिर बैठे लेट जाए तो उसको कंफर्टेबल फील हो, उसके लिए आपको क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि क्लॉथ्स दे देते हैं मोटे किस्म के या फिर पेपर्स वगैरह दे देते हैं, वो सब बिल्कुल भी सही नहीं होती है क्योंकि वो गीले रह जाते हैं, वो पानी सोक कर लेते हैं, यानी कि शुशु पॉटी करेंगे तो वो सोक कर लेंगे और रैबिट जैसे ही उसके ऊपर लेटेंगे तो उसके बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल गंदा दिखने लगते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है, तो उसके लिए नीचे आपको बिछोने पड़ेंगे केज के ऊपर की जो लेयर होती है जिधर पे रैबिट बैठेंगे उसका जो लेयर होनी चाहिए वो हे की होनी चाहिए, सूखे ग्रास या फिर हे
या फिर बिछोली भी कहते हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं पिक्चर दे दूंगी, तो उसका आप इतने थिन लेयर आप लगा सकते हो, मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि उसको बैठने में सॉफ्ट फील हो और शुशु पॉटी जो भी करेंगे वो नीचे से गिर जाएंगे, ठीक है, वो सोक नहीं करती है, वो नीचे से गिर जाती है, लेकिन वो आपको 4 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद बाद आपको क्लीन करते रहना है, उसको फेंक के न्यू ग्रास आपको देना है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी वो है केज के सेटअप के बाद चाहिए होगा रैबिट के लिए खाने पीने की चीज, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा वाटर फीडर। अगर आप केज के अंदर रखते हो तो छोटे से जगह होंगे, वो गिरा सकते हैं, और हर रोज अगर आप पानी चेंज करने के बाद 2 टाइम चेंज नहीं कर सकते हो तो आप वाटर फीडर यूज कीजिए, ऑनलाइन पे अवेलेबल होंगे, तो वो फीडर आप जो है केज के अंदर अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए, उसको जब भी प्यास लगेंगे वो पी लेंगे, ठीक है। ये हो गई पानी के लिए, और खाने के लिए आप एक बोल रख दीजिए, ठीक है, कोने में कॉर्नर में, ताकि उसको जब भी आप खाना दो, और गेट के सामने ही होना चाहिए ताकि आप गेट खोल के इजीली आप हर रोज के खाना आप चेंज कर सकते हो। तो ये 2 चीज हो गई खाने पीने के लिए। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां कहीं भी आप अपने रैबिट को रखो दूसरे कोई पेट्स की वजह से उसको प्रॉब्लम ना आनी चाहिए, जैसे कि कैट्स हो, डॉग हो या फिर रैट हो, कोई भी आपके रैबिट को हर्म ना कर सके, ऐसी आपको सेफ्टी जगह आपके घर में चूज करना है, या फिर थोड़ी सी हाइट में रखना है ताकि कोई भी आपके रैबिट को डरा ना पाए या फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है रैबिट के लिए खिलौने, ठीक है, ऑनलाइन पे अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहे तो ऑनलाइन से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप जो है घर में भी कार्डबोर्ड की है, जैसे राम शेप में, या फिर पेपर को ऐसे हाथों से मुड़ा के भी आप दे सकते हो, इससे क्या होंगे आपके रैबिट के टाइम पास भी हो जाएंगे, और रैबिट को हमेशा जो बनीज होते हैं स्पेशली च्यूइंग करने की हैबिट होती है, इस चीज को काटना उस चीज को काटना, तो आप इस तरीके से खिलौने बना के अगर देते रहेंगे तो उसमें उसका मन भी लगा रहेंगे और वो उससे खेल भी पाएंगे, तो ये सारी चीज आप अपने रैबिट को दे सकते हैं। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है रैबिट को खाने में क्या दें, हमेशा मैं बोलूंगी दिन में 2-3 टाइम आप ग्रास दीजिए खाने के लिए, उसके साथ जो भी है ग्रीन वेजिटेबल्स वो दीजिए, एंड पानी ऑब्वियसली रखिए, एज अ ट्रीट आप घर में भी बना के कुछ ना कुछ दे सकते हो, मेरे चैनल पे भी वीडियोस है, या फिर आप ऑनलाइन से भी ट्रीट्स परचेज कर सकते हो, तो उस बोल में आप खाने के लिए दे दीजिए, तो ये हो गई आपके रैबिट की प्रॉपर सेटअप। लेकिन गाइस एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, पूरा दिन आपके रैबिट को केज के अंदर बिल्कुल भी मत रखिए, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या फिर 2 घंटा हो अपने रैबिट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने घर के अंदर लेके चलिए, जिस टाइम पे आप फ्री रहे आपके रैबिट के साथ घर में थोड़ी देर खेलिए, तो आपके रैबिट के भी माइंड फ्रेश रहेंगे और रैबिट भी बहुत खुश रहेंगे, और आपका भी टाइम पास हो जाएंगे आपके रैबिट के साथ। तो अगर आप अपने रैबिट को ला रहे हो तो केज के साथ साथ थोड़ी देर बाहर भी अपने साथ रखिए, और जितना टाइम आप अपने रैबिट को बाहर रखेंगे खेलने के लिए ऑब्वियसली आप भी उनके साथ होना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा कोई एनिमल आपके रैबिट को हर्म ना कर पाए, ध्यान रखिए। और समर में स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितना हो सके शैडो एरिया में रखना है ताकि थोड़ी बहुत सनलाइट भी आए और हवा भी आए, और ठंडे एरिया में रखना है ताकि ज्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक ना हो जाए। बस यही था मेरी आज की वीडियो जो कि प्रॉपर केज के सेटअप के लिए, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर मिलेगी तो ऑब्वियसली कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।